बच्चों को भी नजर लगता है और माताएं तो उसका तोड़ खुद कर लेती है। आप अपनी तरफ से दर्शकों को कुछ ऐसा उपाय बताना चाहेंगे कि जो नजर वगैरह लग जाए बच्चों को तो उसका कोई तोड़। देखिए, सामान्यतः जो जो नजर लगने का क्रिया है, या फिर कहीं किसी प्रकार की और कोई नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम ऑल टू ऑल अपनी भाषा में, एक मॉडर्न भाषा में भी कहें, तो वो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके ऑरा में यदि प्रवेश कर जाती है, तो वो तय मानिए कि वो आपके जीवन में खलबली मचा देती है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम अपने ऑरा को मजबूत करें, और हम अपने ऑरा को यदि मजबूत कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा फील्ड है, यदि हम उसको पावरफुल करते हैं, तो तय मानिए कि इस प्रकार की कोई भी आदि व्याधि और भी बहुत प्रकार की समस्या हमारे जीवन में नहीं हो सकती। उसको करने का सबसे सुगम उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि कम से कम शुक्रवार और शनिवार हफ्ते में 2 दिन समुद्री नमक के पानी से स्नान कीजिए, समुद्री जल से, या समुद्र जो सी सॉल्ट होता है, लेकिन अब मान के चलिए सी सॉल्ट की मात्रा इतनी होनी चाहिए जैसे 50-60 ग्राम नमक होना चाहिए। इतना नमक को घोला जाए पानी में, और फिर उससे थोड़ा पूरे शरीर पे लगा लिया जाए, और 2 मिनट उसको छोड़ दिया जाए, और फिर फ्रेश वाटर से नहा ले। ये यदि आप करते हैं तो पहली बात तो लगी हुई नजर इससे ठीक हो जाती है, जो नजर लगी है आपको। और शुक्रवार शनिवार का विशेष विधान है, यदि शुक्रवार और शनिवार को हम नमक का उपयोग करते हैं स्नान में, तो तय मानिए हमारा ऑरा मजबूत होता है, हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है, और हम कई प्रकार के दृष्टि दोषों से और नेगेटिव एनर्जी से बच जाते हैं। यह अत्यंत सुगम और घर घर में उपलब्ध है, जिसे कहते हैं नमक। और आप यह भी देखिए आनंद जी, कि नमक का उपयोग पाश्चात्य देशों में जो नेगेटिव एनर्जीज के खिलाफ जो काम करते हैं, जो कि स्पिरिट्स पे, जो भूत प्रेत आदि पर जो कार्य करते हैं, हमारे पाश्चात्य देशों में जो हमारे जो साधक है, तंत्र के विद्वान है, वो सर्वाधिक उपयोग सी सॉल्ट का करते हैं। वहां पर यहां तक विधान है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव स्पिरिट्स है, तो वो उसको बांधने का काम भी सी सॉल्ट के माध्यम से करते हैं। वो उसके चारों ओर नमक का घेरा बना देते हैं व्यक्ति के, और उसके बाद वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वो नमक के घेरे को क्रॉस नहीं कर पाती, और इससे वो वहां पर परिणाम देने वाले प्रयोग कर रहे हैं, वहां लोगों को परिणाम मिल रहे हैं। नमक एक ऐसी अद्भुत चीज है हमारे जीवन में, जो नेगेटिविटी को काटने में सर्वाधिक कार्य। आनंद जी, हाँ तो अच्छा, बच्चों को भी हम फिर नहला सकते हैं उसी नमक के पानी से। जी, आप बच्चों को भी नहलाना चाहिए, और शनिवार और शुक्रवार को जरूर करना चाहिए। हमारे यहां तक एक कि यदि आप अपने घर में शुक्रवार और शनिवार को नमक का पोछा लगाते हैं, उसमें आपका आधा किलो नमक खर्च हो जाएगा। यदि नमक का पोछा आप शुक्रवार शनिवार को लगाते हैं, तो आपके घर की भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है, और आपके घर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और ये साइंटिफिक प्रमाण है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि नमक के पाटन में कोई भी जम्स डेवलप नहीं हो सकता, कोई वायरस उसमें पैदा नहीं हो सकता, जहां नमक है। यस, तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।